नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइन, जलपाईगुड़ी पहाड़पुर मोड़ पर सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की मौत। जलपाईगुड़ी पहाड़पुर मोड़ पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार शुक्रवार शाम सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी मैनागुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के पहाड़पुर मोड़ पर एक लॉरी की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड और कोतवाली थाने की पुलिस और ट्रैफिक पुलिस घटना स्थल पर पहुंची है। घटना के बाद इलाके में काफी देर तक यातायात बाधित हो गया। पुलिस बाइक सवार की पहचान करने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा पुलिस ने हत्यारे लॉरी की तलाश के लिए जांच शुरू कर दी है। डीएसपी ट्रैफिक कोतवाली थाना आईसी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच कर रहे हैं। आज उत्थान यात्रा के दिन शाही परंपरा का पालन करते हुए मदन मोहन ठाकुर को 108 घड़ी पानी से स्नान कराया गया। उस बिहार के मदन मोहन सावन महीने में रथ यात्रा के बाद सैन एकादशी को सैन पर गए। आज उत्थान एकादशी के बाद जब मदन मोहन लगभग 4 महीने बाद जगे हैं, इस शुभ दिन पर मदन मोहन देव को दूध दही घी शहद मिलाकर 108 घड़े जल से स्नान कराया जाता है। फिर यज्ञ के माध्यम से पूजा की जाती है। मदन मोहन उत्थान एकादशी की पूजा विशेष पूजा और भोज के साथ संपन्न होगी। आज इस शुभ दिन पर कुचबिहार की एक प्रसिद्ध कपड़ा कंपनी के नेता और बिजनेस एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरज कुमार घोष ने देवत्र ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य मदन मोहन ठाकुर को एक सोने का छाता सौंपा। उन्होंने कहा, काफी समय से हम अपने प्रिय मदन मोहन ठाकुर को कुछ देना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। मैंने छाता देने की इच्छा को लेकर देवत्र ट्रस्ट बोर्ड के आवेदन किया था। उन्होंने आज मुझे यह मौका दिया, मैं काफी खुश हूँ। मदन मोहन मंदिर की पुजारी शिव कुमार चक्रवर्ती ने कहा, आज 4 महीने बाद नन्हे मदन मोहन जागेंगे, इसीलिए आज के उत्थान एकादशी पर विशेष पूजा का आयोजन किया गया है। मदन मोहन के पिता को दूध दही घी शहद और पानी से स्नान कराए 108 घड़ी जल से किया जाएगा। फिर मदन मोहन की पूजा बड़े भोज और यज्ञ के साथ पूरी की जाएगी। उत्तर दिनाजपुर में आदिवासी युवक की गोली मारकर हत्या के बाद पुलिस ने घटना का पुनर्निर्माण किया। उत्तर दिनाजपुर के दालखोला में आदिवासी युवक गोली मारकर हत्या की घटना के 8 दिन बाद आखिरकार शूटर गिरफ्तार हो ही गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक युवक की हत्या विवाहित संबंध के चलते की गई है। दालकुला थाना क्षेत्र के सूत्रा बटतला जगदीशपुर निवासी निर्मल माडी को हिरासत में लिया गया। बुधवार को दालकुला थाने की पुलिस आरोपी को इस्लामपुर महकमा अदालत ले जाएगी। जज के आरोप को 10 दिन की पुलिस रिमांड का आदेश दिया है। मालूम हो कि 14 नवंबर की रात दालकोला एक ग्राम पंचायत के जयरामपुर निवासी जेठा सोरेन उर्फ राजा, जिनकी उम्र 22 से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने सख्ती से जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों से बातचीत से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस चरण दर चरण आगे बढ़ रही है। आखिरकार 8 दिन बाद सफलता मिल गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि राजा दैनिक मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। घटना वाले दिन पड़ोस के पास मेला लगा था। पत्नी और अपने बच्चों के साथ मेला में गए थे। मेले से लौटने के बाद वो सोने की तैयारी कर रहा था। उसी समय राजा पेशाब करने के लिए घर से बाहर सड़क पर गया। तभी राजा को अंधेरे में अपना चेहरा नकाब से ढके हुए एक युवक दिखाई दिया। राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। युवक ने देसी भाषा में भी कुछ जवाब दिए। इसके बाद उस नकाबपोश ने नजदीक से राजा के सीने में दाहिनी ओर गोली मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के वक्त राजा की पत्नी शकुंतला किसको थोड़ी देर पर खड़ी थी। आरोपी निर्मल मार्डी को दालखोला थाना पुलिस ने उस इलाके में घटना का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया।